नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू मार्केट दिस वीक। लास्ट वीक भी हमने मार्केट दिस वीक प्रेजेंट किया था, वहाँ आपको टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स एक्सप्लेन किया था और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक्सप्लेन किया था। उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी बैंक निफ्टी जो गिरावट आया वो भी आपने देख चुके हैं। अभी इस हफ्ते आप क्या करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स है? जो बिग क्रैश आया लास्ट जो फ्राइडे, जो ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, इसके प्रीवियस फ्राइडे को भी ज़बरदस्त गिरावट आई थी, अगेन ये फ्राइडे को भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। सो ये सभी फैक्टर्स, ये गिरावट क्यों आ रही है और आगे क्या करना है? आप निफ्टी बैंक निफ्टी और सेल करेंगे या होल्ड करेंगे या बेचेंगे या बाय करना है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, डिस्क्लेमर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप होल्ड करके देखिए पढ़िए। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमारे पास अभी तीन ऑप्शन ओपन है, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, जीरोधा और अपस्टॉक्स में आप खुलवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कीजिए और आपकी जानकारी प्रस्तुत कीजिए या नीचे दिए गए लिंक में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो निफ्टी लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन थर्सडे और फ्राइडे ऑलमोस्ट 600-650 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आई, ये गिरावट की बड़ी वजह क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हम लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। राइजिंग क्रूड ऑयल बहुत बड़ा फैक्टर है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं, सो क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए है। सेकंडली रुपी डॉलर इक्वेशन बहुत ही ख़राब चल रहा है और रुपी की वैल्यू डे बाय डे डिप्रिसिएट हो रही है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट अभी लगभग रुपी का रेट 74 को टच करने जा रहा है, 74 को लगभग टच है, उसके बाद 75 मे बी वी कैन सी। सो ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। FIIs बिकॉज ऑफ रुपी डॉलर इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा फियर में वो लोग भी सेलिंग कर रहे हैं। FIIs का सेल भी लगभग अभी तक 1700 पॉइंट के आसपास, 17000 करोड़ के आसपास सेलिंग इन्होंने मार्केट में कर दी है, ये एक फैक्टर है। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फैक्टर दोनों हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे। सो अभी लास्ट फ्राइडे मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट आई और आखिरी जो RBI का पॉलिसी आने के पहले मार्केट अच्छा होल्ड कर रहा था। बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूसली अपसाइड पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करने का कोशिश कर रहा था और निफ्टी ट्राई कर रहा था बैंक निफ्टी को पुल डाउन करने का, एक दूसरे के पैर खींचने का, जो मैं पहले आपको बता दिया था, आइदर वन विल पुल द अदर वन। सो बैंक निफ्टी को निफ्टी ने डाउन साइड में पुल किया है, बैंक निफ्टी में हालांकि स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। सो RBI का पॉलिसी आने के पहले मार्केट काफ़ी अच्छा एक मूव देने का तैयारी कर रहा था और बैंक निफ्टी पॉजिटिव जा रहा था बार बार और मार्केट ने डिस्काउंट किया था 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट RBI कट करेगा, लेकिन सरप्राइजिंग मूव RBI ने ये सरप्राइजिंगली रेपो रेट अनचेंज रखा। अनचेंज रखने की वजह से अनएक्सपेक्टेड मार्केट ने ये फैक्टर को निगेटिव ले लिया और इसमें सडन एक गिरावट आ गई। बट अकॉर्डिंग टू मी ये फैक्टर एक पॉजिटिव स्टांस होना चाहिए, मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है। सो जो RBI का डिसीजन है
ये आप पॉजिटिव फैक्टर मान के भी चल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप थोड़ा इसमें पॉजिटिव सोच सकते हैं, कौन सा लेवल में हम उसको चार्ट में देखेंगे। आइदर वो मार्केट किस डायरेक्शन में क्या सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो आरबीआई का मूव जो मूव है, सरप्राइजिंग मूव है, जो 0.25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट करने का जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, उसको उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैक्टर क्रिएट किया है मार्केट में। देन गवर्नमेंट जो आईएलएफएस का आईएल एंड एफएस ग्रुप का जो इश्यू चल रहा था, उसके वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक और फियर सिचुएशन पैदा हो गई थी। सो ये पैनिक आईएलएफएस की वजह से हुई थी, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उसका मैनेजमेंट को सुपरसीड करके, और नया मैनेजमेंट को अपॉइंटमेंट किया है। सो ये गवर्नमेंट का गुड डिसीजन है, पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए, इवन दो मार्केट फॉल कर रहा है। तो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक पॉजिटिव फैक्टर जो था, मार्जिनल कट इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस में एक्साइज ड्यूटी कट किया है, वो पॉजिटिव स्टांस है। बट गवर्नमेंट ने अदर एक स्टेप ले लिया, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज को गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस करने के लिए बोला। ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का शेयर्स, इसके वजह से शेयर प्राइसेस इतना ज़्यादा गिर गया, टम्बल्ड हो गया, कि लगभग 15 से 20%, 25% तक गिरावट उसमें आ गई थी। एक पेट्रोल डीजल एक कॉज ऑफ फैक्टर है, जो हायर इन्फ्लेशन हो रहा है हमारा, जो उसका मेजर कॉज है, जो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस राइज हो रहा है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस राइज के पीछे राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस है। ये इंटरलिंक फैक्टर है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खास करके जो गवर्नमेंट का कंट्रोल में, जो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल में हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट अगर उसमें जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है उसमें कट करेगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, ये भी नेगेटिव फैक्टर है। राइज इन क्रूड ऑयल ऑलवेज नेगेटिव है एट प्रेजेंट। क्रूड ऑयल प्राइसेस जब तक डाउन में था तो गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था, और उससे फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा था। देन अदर फैक्टर है जो है यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर। ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल और काफ़ी क्रूशियल फैक्टर बना हुआ है, जो मार्केट में हमेशा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये पैनिक सिचुएशन हो सकता है बाद में यूएस के लिए भी बहुत खतरा बन जाए, यूएस इकोनॉमी में भी डाउन डाउन साइड हिट हो सकता है, डाउन रिसेशन का एक इंडिकेशन दिख रहा है। जो ट्रम्प साहब का जो डिसीजंस है, वो डिसीजन में यूएस का ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। कहाँ कैसे करेगा उसका स्टडी हम करके आपको थोड़ा अपडेट करेंगे। बट व्हाट आई फील, जो ट्रम्प साहब का ओन डिसीजंस में अफेक्ट देयर ओन इकोनॉमी, ये एक फैक्टर हो सकता है। वो उनका इकोनॉमी के साथ साथ वो हमारा इकोनॉमी को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये भी फैक्टर है। देन जो इंडियन इंडिया के लिए अदर वन फैक्टर जो है, जो इंडियन जो ऑयल लेता था, इंपोर्ट करता था ईरान से, उसके लिए जो यूएस से थ्रेट आ रहा है बार बार, वो एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि यूएस डॉलर में ये हम इंडिया बाय कर रहा था, ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, ये एक फैक्टर है। अमेरिका यूएस डील से, जो यूएस डील हो गया रसिया, सॉरी रसिया के साथ जो डील हुआ, उससे भी नाखुश है, उसके लिए भी इंडिया को थ्रेट दे रहा था। बट अपना गवर्नमेंट ने रसिया के साथ जो डील फाइनल की, S-400 वो फाइनल हो गई है। ये एक फैक्टर है। कस्टम ड्यूटी कुछ दिनों पहले हाइक किया था गवर्नमेंट ने, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में गिरावट कंटिन्यूस जा रही है। तो गिरावट के बहुत सारे वजह हो
हो सकती है फ्यूचर में। और ये मार्केट वो स्टेज था, ओवर ब्रॉड कंडीशन में था, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे, तो मार्केट में करेक्शन कुछ हद तक ज़रूरी होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स बिल्कुल घबराया नहीं, वो अपना हर एक गिरावट में अच्छा कंपनीज को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पिकअप करते रहे हैं, और उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा। ये अप एंड डाउन मार्केट में चलते रहेगा, तो इन्वेस्टर के लिए ऑलवेज बेटर अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग सीजन आगे है, अर्निंग सीजन में बूस्ट मार्केट सेंटिमेंट में कुछ बूस्ट आ सकता है अर्निंग सीजन के चलते, वो भी हम फैक्टर्स देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, उसके पहले डोमेस्टिक फैक्टर जो है ये हम भूल गए थे, ये भी बताना। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये स्टेट के इलेक्शंस है, उनका डेट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो है छत्तीसगढ़ में नवंबर 12 एंड 20, नवंबर 28 मिजोरम में, मध्य प्रदेश में 28, तेलंगाना में 7, राजस्थान में 7। सो यहाँ पे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है ऑलमोस्ट, तो तेलंगाना छोड़ के। तो यहाँ का रिजल्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एबीपी का बिफोर इलेक्शन पोल है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है, मे बी डिस्काउंटिंग मार्केट में हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल में क्या कंडीशंस है वो देखना पड़ेगा। ये सभी स्टेट में बीजेपी का पावर अच्छा है और पकड़ मजबूत है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये एक प्री डिसाइडिंग फैक्टर है मार्केट के लिए, फ्यूचर में मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करने के लिए, फर्दर डाउन साइड जाएगा अपसाइड जाएगा। तो दिसंबर दिसंबर मंथ तक अपने को एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में जो असेंबली इलेक्शंस है लोकसभा के, वो तो है ही, आपको जानकारी है। तो अभी टेक्निकल चार्ट में हम लोग आ गए हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट हमने डिस्कस किया था, पहले ये मूव पकड़ा था, जो मूव हमने देखा था पहले पहले हम ये मूव का रिट्रेसमेंट भी हम दिखाए थे आपको, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा। अभी हम ये मूव का रिट्रेसमेंट यहाँ से लिया है, और ये 0.786 लेवल को भी ब्रेक कर चुका है। सो फिबोना की रिट्रेसमेंट 786 को भी ब्रीच कर चुका है। अभी 99 जो मूवमेंट चालू होता 9958 से चालू हुआ था, ये 9958 ये इसका लास्ट सपोर्ट आ रहा है, जो जहाँ से इसका मूवमेंट चालू हो रहा था, जहाँ से चालू हुआ था वहाँ पे हम जाने का इसका होपफुली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स देखेंगे, जो निफ्टी का डेली चार्ट में हमने जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर चुका है, जो सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया वाला सिचुएशन आप देखिए, ये यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, यहाँ पे RSI देख सकते हैं आप कितना ओवरसोल्ड गया था उस टाइम में। उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेक किया था, यहाँ पे RSI देखिए, और इतना ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं गया था, यहाँ पे RSI और बाउंस बैक किया। देन अभी यहाँ पे एक ओवरसोल्ड कंडीशन, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक, RSI देखिए बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है। सो यहाँ पे हम बाउंस की आशा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन आया है यहाँ पे। अभी हम आगे और देखते हैं चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आप देखिए, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था वीकली चार्ट में, ये देख लीजिए वीकली चार्ट, ये यहाँ पे हमने 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे भी लगा के रखा है, सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे का। तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को टच करके चला था, यहाँ पे एक बार ये ओवरसोल्ड में आया था, देन यहाँ पे वीकली चार्ट में RSI ओवरसोल्ड कब कब आया देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे अराउंड 30 को टच करने गया था, देन अभी ये
बहुत 200 डेज मूविंग एवरेज को टच कर रहा था उस टाइम में, RSI ओवरसोल्ड में आ रहा था। अभी ये देखिए वीकली चार्ट में अभी 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी दूर दूर है इसका, और ये अभी RSI इसको 34 लेवल में है, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहा है। तो वीकली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज बहुत डाउन साइड में 9081 में है, ठीक है। देन हमने वीकली सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ किया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को ये पकड़ के। सो यहाँ से इसका मूवमेंट जो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था तो उसका जो सपोर्ट लाइन था ये लाइन था, उसको ब्रेक किया है, उसको ब्रेक किया है। अभी वो लाइन को वापस सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है मूवमेंट आने का। देन जो हमने यहाँ का ये पकड़ के ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सो उसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे लगभग 10,100 के आसपास आ रहा है, 10,100 150 के आसपास, 10,150 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा ये देखेंगे आप, सो ये जो लेवल देखेंगे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये हिडन डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, वो पॉजिटिव है। सो ये एक इंडिकेशन हमको यहाँ से मिल रहा है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे, मंथली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज देखिए काफ़ी दूर है। मंथली चार्ट में ये अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, नेगेटिव है। देन रिट्रेसमेंट के लेवल से देखेंगे तो ये रिट्रेस हो रहा है अभी 0.236 लेवल से रिट्रेस होके 0.382 लेवल्स तक रिट्रेस होने का कोशिश कर रहे हैं। 0.382 लेवल रिट्रेसमेंट का है 9904 में, 9904 के बाद ये आएगा 9330। ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंगली है रिट्रेसमेंट लेवल फिबोनाची का। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो टेक्निकल अकॉर्डिंगली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 9950, 10,100, 10,150। तो 10,150 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मैक्सिमम आई थिंक 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल है 9950, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक इसको होल्ड करता है इसमें वहाँ से बाउंस बैक थ्रो बैक आने का पॉसिबिलिटी एक नज़र आ रहा है, उसको आप ध्यान में रखिए। ये ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन में पुट साइड में देखेंगे तो आप पुट साइड में 10,000 में देखिए 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। देन 10,100 बहुत कम है, 12,83,000 का है। देन 10,200 में है 21 लाख का, 10,300 में 16,31,000 का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 36,09,975 जो कि है 10,500 लेवल पे है। देन उसके बाद 10,700 लेवल पे है पुट साइड में। देन इधर कॉल साइड में आएंगे तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 28, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे जो है 28 लाख, उसके पहले 11,000 पे है 44,98,000, 11,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। देन 10,800 में 14 लाख कॉल राइटर्स है, 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। देन 10,700 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 10,600 पे भी बहुत ज़्यादा है।
10,500 पे भी। सो हमको थोड़ा नेक्स्ट वीक व्हाट क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। सो 10,500 से लेके 10,150 ये लेवल में मार्केट मूव होना चाहिए नेक्स्ट वीक में। ये अभी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑन द डाउन साइड 9,950 ये एक इसका फुल्ली ये लग रहा है। अप साइड 10,500 ब्रीच करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो इसमें आप नज़र रखिए, होपफुली नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करेगा, अगला कुछ हफ्ते भी कंसोलिडेट कर सकता है। आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो हमारा प्राइस एक्सचेंज स्ट्रेटजी है इसमें आपको दबा के पैसा मिलता है, आप देख रहे होंगे हर वीक। ये इसका प्रेडिक्शन इसका जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम डिराइव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी दमदार रिजल्ट देता है और आपको हर वीक अच्छा इनकम का मौका देता है। अभी हमने इसका जो परफॉर्मेंस अपडेट करना बंद कर दिया है क्योंकि आप खुद से अपने से जज कर सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ऑलवेज बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है और बहुत अच्छा रिटर्न रिजल्ट देता है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो सेल लेवल है 10,282 का है और जो प्रडिक्शन है फाइनल 9,902 का है। थर्ड टारगेट लेवल आ रहा है 10,177 पे, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जो रिवर्सल जोन भी माना जा सकता है। और बाय लेवल चालू होता है 10,412 से, ठीक है। थर्ड टारगेट आता है 10,517। सो ओवरऑल एज पर दिस स्ट्रेटेजी 9,900 से लेके 10,800 इसमें प्रिडिक्शन है। बैंक निफ्टी देखते हैं हम, बैंक निफ्टी जो गिरावट आई है देख रहे हैं आप, 200 डे मूविंग एवरेज इसने ऑलरेडी तोड़ चुका था, हम डिस्कस कर चुके थे इसमें 200 डे मूविंग एवरेज इसके पहले भी तोड़ चुका है। अभी जो इसका मेन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया है ये आप देख सकते हैं, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है जो आ रहा है 24,000 से लेके 24,200 के आसपास। सो ये 24,200 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से इसको हम ब्राउन बाउंस बैक प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो आप इसमें नज़र रखिए, यहाँ से बाउंस बैक दे दिया तो ये 200 डे मूविंग एवरेजेस की तरफ से अगेन मूव करने का कोशिश कर सकता है। तो ध्यान में रखिए ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक होने से फर्दर डाउन साइड आ सकता है, तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। इसको RSI में कंपेयर करेंगे तो RSI आप देखिए इसके पहले जब 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था, यहाँ पे RSI का वैल्यू देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा और यहाँ पे RSI का वैल्यू देखिए और कितना जब ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो एज पर RSI यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये अभी ओवरसोल्ड जोन से बाहर आने का कोशिश करेगा। सो इसमें ध्यान में रखिए कुछ दिनों तक मे भी पॉसिबल है RSI ओवरसोल्ड में रह सकता है, लेकिन एक टेंडेंसी है मार्केट में, आप जाके देखिए चार्ट में टेस्ट कीजिए, एक बार RSI 14 पीरियड ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो अगेन उसको बैक आना ही है। सो ओवरसोल्ड जोन से वो अपना वापस उसका डायरेक्शन ले लेगा। सो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यहाँ से ओवरसोल्ड से थोड़ा सा मूव करके अगेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पकड़ा हुआ है। सो वो RSI का फंडा आप देखिए RSI कैसा काम करता है। देन इसका जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो यहाँ से ड्रॉ किया था, ये अगेन रिट्रेस बैक टू 0.786 लेवल को भी ब्रेक कर चुका है। हमने 0.786 लेवल को रिस्पेक्ट करेगा करके एक प्रेडिक्ट किया था, बट अभी नेक्स्ट जो लेवल है उसका जो 23,651 एज पर दिस फिबोनाची प्रिंसिपल सपोर्ट है। सो इसको भी ध्यान में रखिए आप।
देन इसका आगे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को देखिए, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। सो 100 डे मूविंग एवरेज को अभी भी ये सपोर्ट कर रहा है और इसने अपना ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, वीकली ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन अभी 100 डे मूविंग एवरेज जो रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है वो 100 डे मूविंग एवरेज है, वो 100 डे मूविंग एवरेज को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 24,089 पे, तो ये एक इम्पोर्टेंट 100 डे मूविंग एवरेज, ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो इसको आप ध्यान में रखिए, जो प्राइस एक्सचेंज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली 24,520 पे ये बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और सेल लेवल से 24,367 से लेके इसका एक्सपेक्टेड डाउनसाइड प्रिडिक्टेड है 23,476। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 24,121 मे बी द थर्ड टारगेट लेवल, विल बी द रिवर्सल पॉइंट, और बाय लेवल से 24,672 और ये फाइनल टारगेट 25,560 का है। सो आप इसे ध्यान में रखिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, होल्टास, डाबर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इसमें ट्रेड सेटअप हम अपना टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। सो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, जो दमदार रिटर्न आपको चाहिए तो आप ज़रूर उसमें विजिट कीजिए। लास्ट वीक का रिटर्न हमने जो अपडेट किया था 1,20,000 प्लस का ऑलरेडी हो चुका है, 1,50,000 ऑलमोस्ट हो गया है। सो थैंक यू गाइज, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।